हेलो फ्रेंड्स, क्या आप संतानहीन हैं? क्या आपके पास कोई भी औलाद नहीं है? तो यकीनन आपकी दुनिया काफी ज्यादा सुनी सुनी सी हो गई होगी। और यदि आप किसी और अन्य इंसान की गोद में कोई बच्चा देखते होंगे तो हमेशा आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि काश हमारे घर में भी नन्ही सी किलकारी होती, जिसके लिए आप निरंतर डॉक्टर से भी पूछते रहते हैं और किसी न किसी वैद्य से भी कोई ना कोई दवा करवाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शोध में ये बात सामने आई है कि अगर आप संतानहीन हैं और बच्चा कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको धूप से मदद लेनी चाहिए। जी हाँ, सूरज की धूप, जिसके अंदर यूवी ए और यूवी बी किरणों के साथ साथ विटामिन डी की मात्रा भी ज्यादा होती है, वो आपकी मदद कर सकती है संतानहीन से संतान वाले माता पिता बनने में। आइए जानते हैं कैसे। आप सोच रहे होंगे कि धूप ऐसा कैसे कर सकती है। एक शोध से ये बात सामने आई है कि यदि पुरुष और महिला यानी कि दोनों दंपत्ति आपस में धूप सेकते हैं तो ऐसा करने से दोनों के ही अंदर प्रजनन क्षमता बेहतर होती है। शरीर के अंदर की काफी कमियां धूप के जरिए बाहर निकल जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम धूप के अंदर बैठते हैं या फिर बहुत ज्यादा सनलाइट ले लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर से पसीना निकलना शुरू होता है। जो मात्र पसीना नहीं होता है, उसकी वजह से पसीने के द्वारा हमारे शरीर से कई विषैले तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। कई बार छोटे से छोटा विषैला तत्व भी हमारे शरीर के अंदर प्रजनन क्षमता को कमजोर बना देता है। इसीलिए प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए, पुरुषों के अंदर फर्टिलिटी को अच्छा बनाने के लिए और महिलाओं के अंदर मासिक धर्म के चक्र को वापस से संतुलित करने के लिए धूप का सेकना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप संतानहीन हैं तो आप डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं और इस नुस्खे को भी ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके दोनों की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।